प्रभु श्री राम सबके हैं, सब लोग जाके दर्शन करना चाहिए, बिल्कुल दर्शन करना चाहिए। लेकिन उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाए थे और उनके रक्त से माँ सरयू का जल जो है वो लाल किया था, तो उसका पश्चाताप भी करना चाहिए। प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य और नव्य मंदिर अब बन चुका है। प्रभु श्री राम अपने मंदिर में स्थापित भी हो चुके हैं और इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह हम और आप सभी रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी है। बहुत स्वागत है, धन्यवाद। गोरखपुर लाइव में आप सभी का स्वागत। आज कोई अभिवादन नहीं, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जी। आज के इस दिन को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये एक ऐसा क्षण है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में वो भावुकता नहीं आई होगी जब प्रभु श्री राम स्थापित हो रहे थे। देखिए 500 वर्षों में अगर आप देखा जाए तो जिस समय 500 वर्ष पहले हनुमानगढ़ी के महंतों ने लड़ाई लड़ी थी जी। और उसके बाद लगातार राम मंदिर के लिए अनेक प्रकार की लड़ाइयां लड़ी गई और लोगों ने सपने देखे थे, बहुत सारे लोगों ने। मैं कह सकता हूँ कि कितने संतों ने, कभी कभी हम लोग महंत अवैधराज जी के पास बैठते थे तो कहते थे कि एक ही सपना मेरा है कि मेरी आंखों के सामने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए। अशोक जी सिंगल ये बात कहा करते थे जी। उस शरद कोठारी और राम कोठारी को कौन भूल सकता है जो कलकत्ता से अपनी माँ के दोनों सपूत थे, ढांचे पर चढ़ करके राम जय श्री राम का नारा लगाते हुए शहीद हो गए। तो 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं और मैं मानता हूं कि विश्व में इससे बड़ी कोई सब इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं हो सकता कि भारत के कोने कोने में दुनिया के अंदर प्रभु श्री राम जब अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो लोग अलग अलग प्रकार के आयोजनों के माध्यम से उत्साह प्रकट कर रहे हैं, सड़कों पर आकर के उत्साह प्रकट कर रहे हैं, लोग अपने अपने घरों पर जैसे दीपावली मनाई जाती है वैसे सजावट कर रहे हैं, भंडारे कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में श्री रामचरित के मानस, सुंदरकांड के पाठ, हनुमान चालीसा के पाठ और लोग सड़कों पर ऐसे उत्साहित हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि जैसे लग रहा है कि कभी त्रेता युग में हम लोग अपने बड़े घर के बड़े परिवारों से सुनते थे कि जब भगवान राम माँ जानकी को लेकर के लंका विजय के बाद अयोध्या आए थे तो लोगों ने उत्साह पूर्वक दीपावली मनाया था, उत्साहित थे। उस त्रेता युग को कलयुग में उतारने का काम अनेक लोगों को इसका श्रेय दिया जा सकता है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और इसलिए सब लोग उत्साहित हैं, जय सिया राम सब लोग बोल रहे हैं, इससे बड़ा उत्साह और कोई नहीं हो सकता। मेरा एक सवाल और है आपसे, क्योंकि ये एक ऐसा क्षण है जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति महसूस करना चाहता है और कुछ लोगों को न्योता भी मिला लेकिन वो लोग वहां तक पहुंचे नहीं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे जरा बताएं। देखिए कोई ये इतना बड़ा काम जो हुआ है 500 वर्षों में, ऐसा नहीं कहता कि बहुत बड़े बड़े तपस्वियों ने आंदोलन किए लेकिन ये प्रभु श्री राम की कृपा से ही हो रहा है और मैं मानता हूँ कि इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती, तो इसलिए सबको आना चाहिए और जो नहीं भी गए उन सबको भी अपने अपने जगह पर रहकर के इस उत्साह में शामिल होना चाहिए। हम लोग भी नहीं वहां गए हैं लेकिन जगह जगह मंदिरों में जाकर के ये सड़कों पर लोग जनता जैसे जैसे जिस उत्साह में खड़ी होकर के उसका स्वागत कर रही है, भगवान राम के अयोध्या आने का स्वागत कर रही है तो सबको इसका स्वागत करना चाहिए और भगवान राम सबको सदबुद्धि दे कि सब लोग अच्छा स्वागत करेंगे। ये तो हो गई रामनीति की बात, अब जरा राजनीति की बात भी कर लेते हैं। अभी ये कहा जा रहा है, क्योंकि अब आज तो 22 तारीख का कार्यक्रम पूरा सफल हो चुका है, अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद चुनाव की डेट निर्धारित की जाएगी और बीजेपी जो है वो प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के बाद पूरी तरह से रामनीति करेगी, राजनीति नहीं करेगी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए भगवान राम का मंदिर भव्य मंदिर बने ये कभी भी राजनीतिक एजेंडा नहीं रहा जे. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में हम प्रयास करेंगे कि अयोध्या के उस गर्भगृह पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने। अन्य पार्टियां इसको सांप्रदायिक कहती थी। 25 सितंबर 1989 में को भगवान सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में हुई थी और पूरे देश का नौजवान सड़कों पर निकल करके बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये
उद्घोष उस समय किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में, राजनीतिक एजेंडा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी इसको राम मंदिर नहीं, इसको राष्ट्र मंदिर के रूप में देखती है। पूरे दुनिया के लोग आज इसका स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्र मंदिर की बात की है आपने, अभी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद भी वो भी जाएंगे अयोध्या में, लेकिन उन्हें न्योता नहीं मिला, इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें दुख भी है। देखिए, उनको न्योता भी मिला है और स्वागत है, राम प्रभु श्री राम सबके हैं, सब लोग जो जाके दर्शन करना चाहिए, बिल्कुल दर्शन करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाए थे और उनके रक्त से माँ सरयू का जल जो है वो लाल किया था, तो उसका पश्चाताप भी करना चाहिए। मेरा आखिर में आपसे बस इतना सवाल है, 2024 को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के क्या दोनों के बीच में कुछ संबंध स्थापित किया जा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्षों में हिंदुस्तान के अंदर 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया, दुनिया के अंदर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में एक नए विश्व का नया भारत खड़ा बनाने का काम मोदी जी ने किया है और हमारे सांस्कृतिक विरासत और हमारी गौरव को भी स्थापित करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो पूरे देश की जनता कह रही है कि फिर से मोदी जी इस बार आएंगे और 400 पार लेके आएंगे। मैं आ रही थी कि अभी आपने नारा भी दे दिया है कि 400 पार सीटें जो हैं वो आने वाली हैं भाजपा की। एक चीज और, क्योंकि आज हम लोग गोरक्षनाथ की धरती पर हैं और गोरखपुर की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, ना केवल गोरखपुर की बल्कि मंदिर की भी एक बड़ी भूमिका रही है, मैं चाहूंगी उस भूमिका को लेकर के भी आप कुछ। निश्चित रूप से गोरक्षपीठ जी, गोरक्षपीठ के में जब 1949 में प्रभु श्री राम राम चबूतरे से और अपने गुंबद में तीसरे अपने सामने प्रकट हुए थे, तो उस समय उस मंदिर के बाहर तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज वहां हर कीर्तन करते हुए पाए गए थे। 1984 में जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष का दायित्व तो कोई भी देश का शंकराचार्य या कोई भी देश का महामंडलेश्वर या कोई भी लोग लेने से इतराते थे, उस समय भी श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष का दायित्व तो तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज ने स्वीकार किया था और आज उस आंदोलन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम महंत योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया और आज ये सुखद संयोग है कि जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ मौजूद हैं, इसलिए इस पीठ की भी एक बड़ी वहाँ पर भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है इसकी आपको भी बहुत सारी बधाई। आपको भी बहुत बधाई, गोरखपुर लाइव को भी, सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम, जय जय श्री।